विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों के कक्षा 12वीं के हिंदी और इंग्लिश के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। अब अगला पेपर आपका फिजिक्स का है और इस पेपर का प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर जरूर रहता है, लेकिन पेपर को देने के लिए आपको प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल कूल माइंड से अपनी प्रिपरेशन करें और कोशिश करें कि आपका जो गैप मिला हुआ है इसमें कोई नए क्वेश्चन बड़े वाले खास तौर से तैयार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपने जो साल भर पढ़ा है, प्रिपरेशन की है, पहले से क्वेश्चन तैयार किए हैं, वे क्वेश्चंस आप अच्छे से रिपीट करिए। आप पेपर दें लेकिन इस बात को ज्यादा लागू करें कि आप जो पेपर में लिख रहे हैं वह राइट हो, वह बिल्कुल सही हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पेपर पूरा करके चले आते हैं और बोले हमारा पेपर पूरा बन गया है, लेकिन जब मार्क्स मिलते हैं तो वे मार्क्स आपके उतने नहीं होते हैं जितनी आप उम्मीद लगाते हैं। आपको उम्मीद थी कि हमको 95% मार्क्स मिलेंगे और जब आप मार्कशीट देखते हैं तो आपको 65% मार्क्स मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उनके लिखने का तरीका कैसा है, और आपने बीच में गलतियां जरूर कर दी होंगी जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारा करने से ज्यादा बेहतर है जितना किया जाए वह शुद्ध किया जाए, सही किया जाए। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं, जितने यूनिट्स हैं, उनमें हम आपको बहुत कम टाइम में पूरी फिजिक्स का मैक्सिमम यूनिट्स का रिवीजन कराएंगे, या यूं कहा जाए कि आपको टैली पॉइंट कवर कराएंगे कि आपने जो प्रिपेयर किया है कोई चीज छूटी तो नहीं है, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो फिजिक्स के पेपर में आने वाले ही हैं, और अगर आप उन क्वेश्चंस को यहाँ देख लेंगे, उनकी लिस्ट देख लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे फिजिक्स का पेपर अच्छे ढंग से ना बन पाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में टोटल मार्क्स 16 हैं और ये 16 मार्क्स बाइफरकेट नहीं किए गए हैं, मतलब ये नहीं बतलाया गया है कि ये 16 मार्क्स में कितने क्वेश्चन 1 के आए, कितने 2 के आए, कितने 3 के आए, कितने 4 के आएंगे। एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि इन 16 मार्क्स को पेपर में किस प्रकार से डिवाइड किया गया होगा, इसमें से क्या क्या आ सकता है। तो हमने इसका एक हिसाब लगाया है और इसमें आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिट फर्स्ट और सेकंड में मिला करके, और एक क्वेश्चन 3 का आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन 1-1 के आएंगे। इस प्रकार से टोटल ये 16 मार्क्स होते हैं। फिर भी इसमें 4 और 3 को आप ऐसा मानेंगे कि 4 वाला क्वेश्चन 3 में आ सकता है, 3 वाला भी 4 में आ सकता है। तो अब सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट किसका है, इलेक्ट्रो स्टैटिक। सेकेंड चैप्टर इसका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का है, और थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों ही चैप्टर में एक क्वेश्चन कहीं 4 का आ सकता है, तो हम मान के क्या चलेंगे 4 और 3 को एक सा कर लेंगे, और इसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 4 और 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं वो आप लोग अच्छे से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है कूलाम्स ला। कूलाम्स ला फुल डेरिवेशन के साथ में, मतलब आपको यहां तक पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, 1/4πε0Q1Q2/r² न्यूटन, और इसकी हेल्प से यूनिट ना यूनिट पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर हो सकता है गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। साथ ही साथ इसी के कुछ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आप मुख्य रूप से दो देख लें, बाकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मतलब गॉस की थ्योरम से कूलम्स लॉ फाइंड करना और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और इसके बाद अगर आगे बढ़े हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में से, तो इसमें आपको करना चाहिए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। आपने पढ़ा है इसका डेरिवेशन, आपने निकाला होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R वोल्ट। ये डेरिवेशन हो सकता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और इसके बाद फोर्थ में आप कर सकते हैं इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पॉइंट डालते जा रहे हैं, बाकी हम वर्बली बोलते जा रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा। तो फाइव नंबर में कर सकते हैं आप कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन देखें तो आपको एक साथ स्किप कर जंप करके पढ़ना चाहिए कौन कौन सा। यहां पर आपको कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन मीन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें से सेलों का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन और उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेल का साथ ही साथ आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, फिफ्थ पॉइंट में आपको रखना चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके बाद अगर सिक्स की बात करें तो सिक्स में करेंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, और करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको दो क्वेश्चन ध्यान से देखने चाहिए। फर्स्ट देखना चाहिए किरचॉफ लॉ और इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और दोनों को मिक्स करके ही पढ़ लेना चाहिए। मतलब किरचॉफ लॉ पढ़ें और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। इसी में चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज R इज इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस वन। ये वाला डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं। तो ये सात क्वेश्चन है, इसमें से आपका फोर और थ्री का कवर जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें से अगर न्यूमेरिकल्स में चलना है तो आपको न्यूमेरिकल्स में चलने के लिए कौन कौन से देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आप रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, स्पेशली ये वाले क्वेश्चन जिसमें कि क्वेश्चन दिए जाएंगे कि एक वायर है, अब इसकी लेंथ टू टाइम्स कर दी जाती है, ठीक है। अब टू टाइम्स कर दी जाती है मतलब क्या हुआ कि एक वायर है, अगर उसी के जैसा वह वायर 2 मीटर मतलब ट्विस्ट कर दिया जाए, तो गुना कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा यही क्वेश्चन इस रूप में हो सकता है कि उसको स्ट्रेच करके मतलब खींच करके फिर 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको न्यूमेरिकल्स इसमें देखने हैं तो आप कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कौन सा, स्पेशली कैपेसिटर वाले, कैपेसिटर वाले जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब C इज इक्वल टू C1+C2+C3 अप टू, और सेकेंड वाला 1/C इज इक्वल टू 1/C1+1/C2+1/C3। इस प्रकार से ये यूनिट नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूरे आप इतने कर सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब अगर 2-2 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, इसमें 2 पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आप कुछ डेफिनेशंस देख सकते हैं।
जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखना चाहें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जितनी भी छोटी छोटी हैं वो सभी डेफिनेशन आप कवर कर लें, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वन में बात आती है तो वन में इंपॉर्टेंट रहते हैं न्यू टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, उसमें भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफी बनी रहती है। जैसे टेम्परेचर इफेक्ट किसका, किस पर, किसी रेजिस्टेंस मतलब किसी कंडक्टिंग वायर पर अगर हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टोटल 4 पार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आप बना सकते हैं मेटलिक कंडक्टर मतलब कोई भी धातु है, इसके बाद उसमें एलॉय ले सकते हैं मतलब मिश्र धातु ले सकते हैं, थर्ड में ले सकते हैं आप क्या सेमीकंडक्टर्स ले सकते हैं, फोर्थ में ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले सकते हैं, मतलब ये 4 प्रकार की सब्सटेंसेस आप डिवाइड कर लीजिए। अब इसके बाद एक पॉइंट पकड़ लें कि टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो मेटल है अगर तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एलॉय है उसका भी होगा लेकिन उसके कंपेरेटिव थोड़ा सा कम होगा, जितना मेटल का होता है उसके मुकाबले थोड़ा सा कम एलॉय में होता है। इसके बाद अगर हम करते हैं सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, डाउन होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उनका भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस ये की पॉइंट पकड़ लें। अब एग्जाम में रेजिस्टेंस के बदले कंडक्टिविटी भी पूछ लिया जाता है तो इनमें उल्टा उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है, मतलब जो कंडक्टिविटी होती है वह रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। मतलब जो चीज रेजिस्टेंस के लिए बोलना है उसका अपोजिट करके बोल देना है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बोला जाए तो आर और रेजिस्टिविटी बोली जाए तो रो, ठीक है। रेजिस्टेंस 4 पॉइंट डिपेंडिंग फैक्टर में 4 पॉइंट आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आएगा क्या, नेचर आएगा, टेम्परेचर आएगा, लेंथ आएगा, एरिया आएगा, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ और एरिया ये 2 चीजें हटानी पड़ेंगी, इन्हीं से कॉन्स्टेंट बना है। मतलब हम कहते हैं आर प्रोपोर्शनेट क्या, एल अपॉन ए, या आर इज इक्वल टू रू एल अपॉन ए। तो अब ये यहां पर यूज हो गया, यहां पर इसका कॉन्स्टेंट है ये, तो ये नेचर और टेम्परेचर ये 2 के लिए रहेगा इसमें, बाकी इसमें 4 चीज रहेंगी। तो इस प्रकार से आप ये न्यू टाइप क्वेश्चन इस प्रकार के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो फंडामेंटल चार्ज होता है मतलब नेचर में फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, मूल आवेश कितना होता है, बेसिक चार्ज ही बोल सकते, सबसे कम वाला जो पाया जाता है वह 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, 19 कूलाम। यहां ध्यान रखनी है आपको बात यहां पर क्या, कि अगर मिनिमम चार्ज की बात की जाती है तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम ये मिनिमम चार्ज है ये, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु हो उसमें सबसे कम चार्ज कितना होगा, इतना होगा। अब इससे ज्यादा कितना होगा, इनका मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में ट्रू फॉल्स में अगर आ जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना है, 2.0 × 10⁻¹⁹ कूलाम, तो यह सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 2.0 1.6 का मल्टीपल नहीं है, 3.2 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, 6.4 हो सकता है, ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, यहां पर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। जूल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की यूनिट है।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ क्या एनर्जी, और इसके बाद उसकी डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए आपको अगर टू मार्क्स में आया है, और उसकी वैल्यू लिखनी चाहिए, ठीक है। और न्यू टाइप में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। मतलब क्या करना है आपको कि सी और जे को मिक्स नहीं कर देना है, मतलब अगर आपको फंडामेंटल चार्ज पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है, सी बोलना है, और अगर एनर्जी की बात की जाती है तो क्या बोलना है, जे बोलना है, मतलब जूल बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको इतना तैयार कर लेना चाहिए, अगर तैयार है तो ये मान के चलें 16 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाला। अब यूनिट नंबर फर्स्ट सेकेंड के बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ की। ये 17 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें से, और इसमें से भी पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वह कुछ पिछली यूनिट्स जैसी हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4 का आ सकता है, एक 3 का आ सकता है, 2 आ सकते हैं 2 के, और 6 क्वेश्चन बन सकते हैं 1-1 के, या फिर 2 वाले 3 भी हो सकते हैं, मतलब 1-2 वाले इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें 4 और 3 के एक एक क्वेश्चन ही आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा महसूस होती है। ये बदल भी सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन एक ये अनुमान के तौर पर आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यूनिट थर्ड और फोर्थ में कितने टोटल मिलाकर के 4 चैप्टर हैं, या बोला जाए 3 भी बोला जा सकता है। इसमें आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। इसके बाद मैग्नेट वाला चैप्टर होगा, मैग्नेट एंड मैटर, और इसके बाद इंडक्शन, और लास्ट में अल्टरनेटिव करेंट। अगर देखें तो 2 पार्ट में बना सकते हैं, फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेट या मैग्नेट इफेक्ट, और सेकंड में हो जाएगा इंडक्शन, क्योंकि जो अल्टरनेटिव करेंट है वह भी इंडक्शन की वजह से ही होती है, ठीक है। इनमें क्या क्या आ सकता है 4 मार्क्स में, सबसे पहले 4 मार्क्स की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आसान आ सकता है, वो हो सकता है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ मतलब जो अपन पॉइंट लिखते हैं और डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, या डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डेरिवेशन जो होता है पॉइंट लिखने के बाद डिपेंडेंसी लिखते हैं और उसके बाद ये डेरिवेशन या फार्मूला लिख देते हैं कंबाइन करके, ठीक है। इसके बाद बायो सेवर्ट बेस्ड क्या करेंगे हम, बायो सेवर्ट बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाले, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन वायर के लिए, एक होता है सर्कुलर क्वाइल के लिए, फिर सोलेनॉइड वाला भी होता है। इसमें आपको पढ़ लेना चाहिए करेंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, करेंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल आप पढ़ लें, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आप इसमें से छोड़ सकते हैं। और आगे बढ़े तो अट्रैक्शन आर रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पैरेलल करेंट कैरिंग वायर, ठीक है, मतलब 2 समानांतर धारावाही तार हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, बल होता है, कितना होता है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 L अपॉन डी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने निकाला होगा, और इसकी मदद से 1 एम्पियर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको पढ़ना ना भूलें, ठीक है। तो शुरू हुआ बायो सेवर्ट, इसके बाद सर्कुलर क्वाइल की वजह से डेरिवेशन, और इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड में जो बोला जा रहा है कि फोर्स के लिए डेरिवेशन 2 पैरेलल वायर, ठीक है। और अब इसके आगे अगर हम और बढ़ें तो यहां पर एक्स्ट्रा में आपको पढ़ लेना चाहिए लॉरेंज फोर्स और उसका डेरिवेशन, मतलब F इज इक्वल टू क्यू, दो डेरिवेशन इसमें, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और सेकेंड वाला F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, मतलब वायर के लिए तो बाद वाला, और अगर मूविंग चार्ज यूं ही मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो फिर क्यू वी बी साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़े अगर हम तो हमें पहुंचना चाहिए इंडक्शन में। इंडक्शन में
ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट में एक क्वेश्चन और भी आपको पढ़ना चाहिए, वो है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर वाला आपको क्वेश्चन जरूर तैयार करना चाहिए, चाहे उसका प्रिंसिपल थ्योरी जो है वो वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं इसका। इसके बाद अगर आगे बढ़ें इंडक्शन में, तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब एम और एल, इनके लिए डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे थे। एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, और ऐसा ही एम वाला था, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, उसको ही पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम, तो इसमें आपको पढ़ना चाहिए पूरे के पूरे सर्किट, मतलब कौन से सर्किट, ये पढ़ना चाहिए आपको, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट तो नहीं आएगा, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट और सी आर सर्किट और एल सी आर सर्किट, और इसमें साथ ही साथ आपको पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, पावर फैक्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद और आगे देखें तो आता है ट्रांसफार्मर, इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए, किसके लिए, फोर और थ्री के लिए, मतलब एक बार रिवाइज करें अगर शुरू से, तो मिलेगा बायो सेवर्ड सर्कुलर क्वाइल की वजह से डेरिवेशन, और फोर्स पैरेलल वायर के लिए, और आगे बढ़े तो वहां पर हमें पढ़ना चाहिए एसी जनरेटर, और ये वाले जितने भी सर्किट हैं सिक्स हैं, और ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और इसके बाद मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, तो ये फोर और थ्री के लिए हो जाएंगे। अगर हम टू की बात करें तो बायो सेवर्ट लॉ पढ़ने के बाद उनके जो डायरेक्शन के लिए रूल होते हैं वो हमें पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि पढ़ सकते हैं एम्पियर लॉ पढ़ सकते हैं, ठीक है, और राइट पॉम लॉ पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते चलें अगर हम इसमें, तो पढ़ सकते हैं वन एम्पियर की डेफिनीशन, स्टैंडर्ड डेफिनीशन, डेफिनीशन जो पैरेलल वायर की डेरिवेशन से निकाली जाती है उसको पढ़ सकते हैं। टू मार्क्स में हम मैग्नेट एंड मैटर में से ही पढ़ सकते हैं, जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये सभी टाइप होते हैं, तो वो तीनों टाइप में उनका कंपेयर कर लें और उनसे भी टू मार्क्स के या वन मार्क्स के क्वेश्चन निकल आते हैं। साथ ही साथ अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो लेंज लॉ पढ़ सकते हैं, फ्लेमिंग के लॉ पढ़ सकते हैं, लेफ्ट वाला पढ़ सकते हैं, राइट वाला पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं रिएक्टेंस और इंडक्टेंस की डेफिनीशन। रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात, इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, ठीक है, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ये दोनों डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं। वाटलेस करेंट पढ़ सकते हैं, इन्हीं में से वन और टू मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पेपर में जरूर बनेंगे, तो इनको आप प्रिपेयर करें, ठीक है। मतलब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा हो, कई बार रिविजन में भूल जाते हैं, तो आप इनको पलटा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम यूनिट नंबर 5 और 6, इसमें से 18 मार्क्स का पूछा जाना है, और इसका भी डिटेल्स कुछ ऐसा ही आ सकता है, वन क्वेश्चन 4 मार्क्स में से और वन क्वेश्चन 3 मार्क्स में से, और बाकी जो बचा उसमें 2 और 1, मतलब उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे इसमें, और बाकी जितने होंगे वो आ जाएंगे 6 क्वेश्चन किसमें, 1-1 के, या 3 क्वेश्चन भी 2 के आ सकते हैं, 1 के काम आ सकते हैं, ऐसा करके मिक्स करके 1 और 2 में हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और चैप्टर कौन कौन से हैं, इसमें चैप्टर हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं, और इनमें
क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ देना चाहिए, मतलब टाइम कम है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से आपको पढ़ना है अगर, तो क्या पढ़ना चाहिए, इसका कंप्लीट स्पेक्ट्रम पढ़ लें। डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये तरंगे क्या होती हैं, कैसे निकलती हैं, और इसके बाद इसका कंप्लीट स्पेक्ट्रम मीन्स सेवन टाइप, गामा रे से शुरू करके रेडियो वेव्स तक, और इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ, कॉलम बना के, जैसा हमने क्लास में बताया था कि कॉलम बना लें तो उसमें पता चल जाता कि प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, और साथ ही साथ इनका यूज क्या होता है, ठीक है, और इनकी रेंज क्या होती है, मतलब इनका ऑर्डर कहाँ शुरू होता है, शुरुआत करते हैं गामा रे से करते हैं, फिर एक्सरे आ जाता है, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट आ जाता है, फिर विजुअल लाइट आ जाती है, इंफ्रारेड आ जाता है, ठीक है, और ऐसा ही इंफ्रारेड के बाद ये माइक्रो और रेडियो वेव्स पूरी आती हैं। तो क्रम से आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए, ये आप इसमें से वन और टू में से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें से, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इसमें मतलब थ्री या फोर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे बढ़े अगर हम तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइगंस थ्योरी, जो कंप्लीट हाइगंस का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है, उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। थ्री पॉइंट्स हमने बतलाए थे, कई बार टू पॉइंट्स में भी कवर कर दिया जाता है ये, तो आपको जो थ्री पॉइंट्स लिखाए गए थे, पढ़ाए गए हैं, वैसे ही आप उसको कर लें, और या कर लिया होगा तो उनका रिवीजन कर लें, ठीक है, नए सिरे से नहीं करें। इसके अलावा इसमें थ्री फिनोमिनेंस हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, ये तीन हैं। तो इनमें से आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये आप कर लें, इसमें से स्पेशली जो यंग एक्सपेरिमेंट है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, मतलब व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिस्क्राइब मैथमेटिकली, मतलब गणितीय रूप में इसको आप कैसे समझाएंगे, वो आपको जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ लें। ये फोर मार्क्स में, थ्री मार्क्स में से आ सकता है। इसमें से कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, थ्री फोर में आ जाते हैं, जैसे आप डिफरेंस लिख सकते हैं पोलराइज लाइट बिटवीन पोलराइज लाइट एंड नॉन पोलराइज, दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो पॉइंट पढ़ लें आप लोग और वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम रे ऑप्टिक्स में और देखते हैं तो इसमें डेरिवेशन पर्याप्त हैं, तो वो डेरिवेशन आप देख सकते हैं। शुरू का डेरिवेशन देखें तो सबसे पहले आपको मिलेगा F इज इक्वल टू आर अपॉन टू, ये स्फेरिकल मिरर के लिए होता है। फिर इसे पढ़ सकते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ये मिरर फार्मूला। फिर और आगे बढ़ते चलें अपन इसमें तो हमें मिल जाएगा लेंस फार्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ऐसे ही स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फार्मूले होते हैं म्यू माइनस वन अपॉन आर म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये फार्मूले हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है कंबाइंड लेंस फार्मूला, भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, ये आसान है, मतलब थोड़ा सा ही है, मिक्स करके बना लेते हैं। और इसके बाद देखें तो इसमें से आप प्रिज्म वाला फार्मूला पढ़ सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और अपॉन साइन ए बाई टू, ये आप इतना इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। इतने में से आपके फोर और थ्री कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी टू टू क्वेश्चन, टू टू के लिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि शुरुआत करें, जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बता ही दिया, उसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स में देखते हैं तो डेफिनेशन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की, पोलराइजेशन क्या होता है ये इसके बारे में बताएं आप, ठीक है। और इसके बाद पोलराइज लाइट क्या होती है,
इसके बारे में पढ़ लें आप। साथ ही साथ इसमें रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन बनता है और डिफ्रेक्शन, साथ ही साथ इसमें रिफ्रेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब जैसे कि किसी भी रॉड को हम वाटर में डिप करते हैं तो बेंड क्यों दिखाई देती है, ठीक है, क्वाइन डालें वाटर के अंदर तो वह अपनी डेप्थ के मुकाबले थोड़ा कम ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, सन सनराइजिंग सनसेट ये जल्दी हो जाता दिखने लगता है बाद में दिखता है इत्यादि, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे इस तृष्णा मारीच का, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन 2 और 1 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, जरूर उसको अच्छे से पढ़ लें। इस चैप्टर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी ऐड किया गया है, स्पेसिफिक नहीं किया गया, नहीं बताया गया पूरे डिटेल में कि कौन कौन से माइक्रोस्कोप आएंगे या टेलीस्कोप आएंगे, तो इसमें आपको मतलब 4 और 3 के लिए पढ़ना पड़ेगा कंबाइंड, मतलब माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ सकता है और कंपाउंड भी आ सकता है, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इसमें से आपको पढ़ना पड़ेंगे तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो 5 और 6 यूनिट में इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है यूनिट नंबर 7 और 8 की, इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं, रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर, सेकंड एटम और थर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें से टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाना है, तो इसमें एक क्वेश्चन ही 3 मार्क्स का बन सकता है, बाकी क्वेश्चन 2 और 1 के आएंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं, 4 का क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, फिर भी हम जो क्वेश्चन 3 का तैयार करेंगे वो क्वेश्चन 4 में भी आता है तो बड़ी खुशी की बात है, उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 मार्क्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, कम ही क्वेश्चन बनेंगे, आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप कर लें आइंस्टीन का इक्वेशन, इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन इक्वेशन, ये एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आप क्या पढ़ सकते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होती है एच अपॉन पी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सीरीज लाइमन बामर पाशियन, ये जितने टाइप हैं 5 है, वो पूरा डायग्राम सहित आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बाकी 2 और 1 के लिए क्या क्या हो सकता है, इसमें बहुत भरमार है, 2 और 1 के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और इसमें से कुछ न्यूमेरिकल से भी पूछे जा सकते हैं, भले ही वो 2 मार्क्स में पूछे जाएं, हो सकता है 3 मार्क्स में ही पूछ लिए जाएं, और वो न्यूमेरिकल्स कहाँ से होते हैं, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगली इक्वेशन, इनको मिला करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान आसान क्वेश्चन, जैसे मान लें 4000 एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ की लाइट है, इसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब हमको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दी गई है और निकालना क्या है, न्यू की वैल्यू, तो हमें पता होता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू हमको पता होती है और लैम्डा ये पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं, इसको चेंज जरूर कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 इंटू
10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद इसमें वैल्यू लगाएंगे तब ये न्यू की वैल्यू राइट निकलेगी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल्स वाले जरूर करके देख लें इसमें। बाकी 2 मार्क्स के लिए प्लैंक की क्वांटम थ्योरी वाला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेनार्ड के लॉ, ठीक है, लेनार्ड लॉ जो है वो पढ़ लें, और डी ब्रोगली इक्वेशन तो इसी के साथ हो ही जाएगा। तो मैटर वेव्स क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर वेव्स, मतलब द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं 2 मार्क्स में। साथ ही साथ एटम और न्यूक्लियस में से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 2 मार्क्स में, जैसे कि E=mc² मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन का यह मतलब बहुत प्रसिद्ध इक्वेशन है, समीकरण है। साथ ही साथ न्यूक्लियस में आप जा सकते हैं डीप में, मतलब प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बोर की थ्योरी पढ़ लें, रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ लें, ठीक है, थोड़ा सा आइसोटोप के बारे में पढ़ लें, आइसोबार के बारे में पढ़ लें। साथ ही साथ स्पेसिफिक तो नहीं किया है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, लेकिन फिर भी डेफिनेशन इनकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग एनर्जी के बारे में जरूर पढ़ लें डेफिनेशन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। आयनिक एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के लिए होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट वाली होती, सेकंड थर्ड पूरी कैलकुलेट करते हैं उसको। तो ये आप लोग न्यू टाइप में सभी क्वेश्चन ये पढ़ लें, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप पढ़ के ही नहीं जाएंगे, रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। और अब आखिरी में बचता है यूनिट नंबर 9 जो कि लास्ट है, और वो है सेमीकंडक्टर की। इसमें से 7 मार्क्स का पूछा जाना है, और इसके लिए आपको गिने चुने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए। इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, बाकी 2 या 1 के हो सकते हैं, और फिर 4 वाला जब भी हम बोल रहे हैं तो वह 3 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है, मतलब अग अवनति और पश्च अवनति, कई कंप्लीट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड, रेक्टिफायर आप तैयार करिए। रेक्टिफायर कौन कौन से तैयार करें हम, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रेक्टिफायर वाले हो जाएंगे, बस कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन 3 में से आप पढ़ सकते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते थे लेकिन फिलहाल में इस वर्ष बोर्ड ने उनको हटा दिया है। जैसे कि हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में क्या एम्पलीफायर पढ़ते हैं, कॉमन इमीटर मोड में इसके बाद ऑसिलेटर पढ़ते हैं, वो सब निकाल दिया गया है, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी बोर्ड में ये हो सकते हैं, तो उन्हें फिर पढ़ना चाहिए। मतलब अगर पूरा इस चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है जो निकाला नहीं गया है, तो फिर ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और रेक्टिफायर, और यहाँ पर इसके बाद पढ़ना चाहिए एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, ये पूरा का पूरा चैन बनता है। ये क्वेश्चन इसमें से 4 में से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, ठीक है, और निकाल दिया गया है तो अपने पास पढ़ने के लिए फिर कम बचता है। साथ ही साथ अब अगर आसान क्वेश्चन की बात करें तो फिर ये 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में डोपिंग, इम्प्योरिटीज, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर और डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, इसकी विड्थ कितनी होती है, मतलब न्यू टाइप क्वेश्चन के लिए 1-2 के लिए ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसा कि हमने शुरू में बताया अभी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, मतलब अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो उनके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और उनमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं कि पी टाइप में करंट फ्लो होने के लिए रीजन क्या है, एन टाइप में क्या है, तो एन टाइप में जैसे क्या होते हैं, मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, अगर पी टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी में होल्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। ऐसा ही प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है, नेज सेमीकंडक्टर
जो अर्धचालक होते हैं उनमें क्या होता है, उनके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, होल भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या क्या इसमें पाया जाता है वो आपको पूरा रिवाइज करके जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा फिजिक्स में जो जितनी यूनिट्स हैं उनको हमने संक्षेप में एक बार ओवरव्यू करके बताया, और आप इनको भूलें ना और रिवाइज करके जाएं। याद रखें, पेपर देने जाएं फुल कॉन्फिडेंस से जाएं, आपने जितना पढ़ लिया बहुत अच्छा पढ़ लिया है, अब आपको प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो हमने बतलाया तो आप इनमें से कोई नया क्वेश्चन बड़ा वाला अगर बोला जा रहा हो हमारे द्वारा तो वो क्वेश्चन छोड़ दें, बड़े क्वेश्चन आप ना पढ़ें, नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश की अभी हमने बिल्कुल देखा नहीं था अब एक बार देख लें, ऐसा नहीं करना है। आपने जो क्वेश्चन पहले देखे हैं तो वो क्वेश्चन ही आपको रिवीजन करने चाहिए, उनको पक्का करना चाहिए, और इसके बाद फुल कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाना चाहिए। और पेपर में जब बैठते हैं आप, कई बार ऐसा होता है कि आपकी उम्मीद के अनुरूप पेपर नहीं आ पाता है, अगर तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आप पेपर को इत्मीनान से पढ़ें, अच्छे से देखें, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनते हैं उनको स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि कुछ देर में आप अगर कूल माइंड हैं आप अच्छे से, तो वो क्वेश्चन भी जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे और ध्यान में आए लग जाए कि अरे हमसे तो बन रहा था, हमारा ध्यान नहीं गया था, इस प्रकार से वो क्वेश्चन भी जो नहीं बन पा रहे थे वो आपसे बन जाएंगे। आप हौसला रखिए और पेपर दें, ठीक है, आपने मेहनत की अच्छे से, ये मायने रखता है। इसके बाद फिर पेपर कितना जाता है ये बात की बात है, उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए कि अरे हमारा पेपर खराब हो गया, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारी ओर से बेस्ट विशेस हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर निश्चित रूप में अच्छा ही जाएगा, आपका पेपर बढ़िया जाएगा, जैसा आपने सोचा है उससे ही बेहतर जाएगा।